ये जो है कैमूर की पहाड़ी है और ये तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये लोग कौन सा गढ़ है सर? शेरगढ़ का किला है, शेर शाह सूरी का किला है, शेरगढ़ किला बोला जाता है इसको। और यही हम लोगों के साथ जो है जो तथ्यात्मक गलती है उसको सुधारते रहते हैं, बताते रहते हैं। और फिलहाल सबसे जो मज़ेदार चीज़ आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है। देखिए ये पहाड़ों पर बारिश का आनंद अपने आप में एक अलग आनंद है। एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ पहाड़ है, और दूसरी तरफ ये जो बारिश है वो काफ़ी मतलब मौसम को हसीन बना दिया है, खूबसूरत बना दिया है। डॉक्टर साहब कुछ कहिए, बताइए कैसा है ट्रिप आज का? पहाड़ों पर घूमना और चढ़ना तो ऐसे ही रोमांचकारी होता है, लेकिन अभी जो बारिश जो हो रही है ये अलग ही रोमांच पैदा कर रही है। अब देख रहे हैं कि चारों तरफ से हम पहाड़ के ऊपर हैं और किस तरह मनुष्य कितना फितरती जात है, किस तरह से अपने छिपने की जगह खोल दिए हैं हम लोग। और ये बारिश में हम लोग छिपे हुए हैं एक छोटी सी मान पहाड़ी के नीचे, और चारों तरफ से बारिश और फिर रोमांच ही रोमांच, और प्रकृति और प्रकृति के गोद में ये झूलते हुए पेड़ हवाएं और उस पर गिरते हुए बारिश की झिमझिम बूंदे, ये एक गजब का अवर्णनीय रोमांच पैदा कर रही है। बिल्कुल, तो आप देखिए मतलब ये जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत है। हमारे पीछे पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ है। सर अभी कुछ कहिए, बताइए क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी पहुँचे आप तो बताइए कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना थक गया कुछ और समझ में नहीं। थके महसूस कर रहे हैं? थकान तो है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बिल्कुल। असल में क्या है कि हम लोग जो समतल धरती से 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर हम लोग जब पहुँचे थे तो बताया गया था कि यही किला है, लेकिन आगे बढ़े तो बोला गया 2.5-3 किलोमीटर और चढ़ जाओ बेटा। और ऐसे ही चढ़ते हम लोग चले आए हैं। हमारे साथ एक फौजी है और इन्होंने काफ़ी हिम्मत दिया। सर बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत मज़ा आया है, और बारिश में भीगते हुए और पहाड़ी पे चढ़ते हुए जंगलों के बीच बहुत इन्जॉय किया हम लोग सभी लोग, जुनून के साथ इस प्लेस को विजिट किए और बहुत बढ़िया लगा। कुल मिलाकर के पहाड़ों के ऊपर प्रकृति के बीच में पहला ब्लॉग है हम लोग जहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। तमाम बातें होगी, हम लोग यहाँ से एक वीडियो भी शेयर करेंगे, खूबसूरत वीडियो बनेगी, बताया जाएगा कि इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या रहस्य है। फिलहाल इतना ही कि हम सभी सुरक्षित हैं इस भारी बारिश में और पहाड़ प्रकृति और नेचर के बीच अभी पहाड़ों में छुपे हुए हैं, खुद को बचा रहे हैं। शुक्रिया।